हाल के सालों में देखा गया है कि स्ट्रोक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में। जी हाँ, युवाओं में स्ट्रोक का जो अटैक है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, जिसका एक रीजन है शराब का बहुत ज्यादा सेवन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, कम उम्र से ही शराब पीना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे में उनमें BP की प्रॉब्लम तो होती ही है, उनके ब्लड वेसल्स कमज़ोर होने लगते हैं और ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, ब्रेन में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है और कई बार तक रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और इससे स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो हार्ट बीट का रिदम है वो भी बिगड़ जाता है। हार्ट बीट जो है अपने रिदम के हिसाब से नहीं चलता है, या तो आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिस वजह से भी BP पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा वो धीरे धीरे क्लॉट बनते जाएंगे और खून के थक्के की वजह से जैसे एक दिन खून बंद होगा आपको सीधे स्ट्रोक हो सकता है। तो हो सके जितना अपनी शराब का सेवन ना करें, उसे लिमिटेड मात्रा में ही करें। इतना ही नहीं, शराब पीने की वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो इस वजह से आपको BP का इश्यूज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़ होने लगते हैं, ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लिवर की प्रॉब्लम होने लगती है और ये सब डायरेक्टली स्ट्रोक से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपके खाने का रूटीन चेंज हो जाएगा, आपके सोने का रूटीन चेंज हो जाएगा, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों की आदत होती है शराब के साथ धूम्रपान करने की, और स्मोकिंग में भी कुछ लोग तरह तरह के जो नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें मिलाकर कंज्यूम करते हैं, तो शराब के साथ ये पीना आपको और भी ज़्यादा हानि पहुँचाता है, ये आपके लिए और भी हार्मफुल है। तो जो लोग शराब तो पीते ही हैं उसके साथ धूम्रपान करते हैं, उसमें भी तरह तरह की नशीली चीज़ें मिला करके पीते हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और स्ट्रोक के साथ ही हार्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हार्ट अटैक का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। शराब हमारे लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लिवर को पूरी तरह से शराब जो है वो बर्बाद कर देता है, जिस वजह से लिवर फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से तो हमारा बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन बाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिवर जो है हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। बेसिकली लिवर का काम होता है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको निकालना, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, आपकी बॉडी से जो गंदगी है वो अच्छे से निकलेगी नहीं, जिस वजह से अंदर ही अंदर गंदगी जमा होती जाएगी और एक दिन स्ट्रोक हो जाएगा, खून का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। इतना ही नहीं, शराब पीने की वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स खुद में दिखाई देने लगेंगे। बेसिकली अगर आपको स्ट्रोक के खतरे को पहचानना है उन लोगों में जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो कुछ सिम्टम्स आपको उनमें दिखाई देंगे। चक्कर आने लगेगा, कमज़ोरी होने लगेगी, इसके साथ ही आपका विजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, अचानक से हेडेक होने लगेगा, और छोटा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको हार्ट में पेन हो सकता है, इसके साथ ही आपके पैर हाथ में सुनपन दिखाई दे सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, अचानक से बॉडी एकदम सुन पड़ जाएगा, तो ये सब स्ट्रोक के लक्षण हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमारी सलाह यही है कि शराब पीना छोड़ दे। अगर आप शराब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लिमिटेड कर दे, लिमिटेड क्वांटिटी में पिए, किसी के भी प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर शराब ना पिए। जो लोग आपको शराब पीने के लिए प्रेशराइज करते हैं प्लीज़ उनसे दूरी बना लें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी आदतें अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करें, बढ़िया खाएं, बैलेंस्ड खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर की मात्रा भरपूर होती है वो खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, शराब, धूम्रपान इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहें, वरना आगे चलकर आपको स्ट्रोक का जो खतरा है वो बहुत हद तक बढ़ सकता है। तो खुद को भी इससे बचाएं, अपनी फैमिली को भी इससे बचाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बाकी लोगों के साथ जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, ताकि वो भी अवेयर हो सके, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए MBT लाइफ को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।